नमस्कार दोस्तों, आज एक नॉर्थ फेसिंग प्लान देखेंगे 31/53 का एक उत्तरमुखी घर का नक्शा। और ये घर का लेंथ है, लंबाई है 53 फीट और इसका चौड़ाई है 31 फीट। ये है आपका साउथ डायरेक्शन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन। ये एक 3 BHK हाउस प्लान है। ये है घर का फ्रंट और घर के सामने देखिए के सामने है पोर्टिको। ये पोर्टिको का साइज है 16 feet 4 inches by 8 feet 10 inches। ये है पोर्टिको और ये पोर्टिको के पास देखिए ऊपर जाने के लिए यहाँ पर है स्टेयरकेस। ये 8 feet वाइड का स्टेयरकेस है। और ये है ड्राइंग रूम, ये है एंट्री डोर और ये है ड्राइंग। और ये ड्राइंग रूम का साइज है 11 feet 1 inches by 10 feet। इसका हॉरिजॉन्टली लेंथ ये है 11 feet 1 inch और ये है 10 feet। और इसमें 2 खिड़कियां है, यहाँ पर एक खिड़की और यहाँ पर एक खिड़की। और ये ड्राइंग रूम के पास यहाँ पर देखिए ये है बेडरूम, एक बेडरूम है। और ये बेडरूम का साइज है 13 feet, ये है 13 feet ये लंबाई और 13 feet by 10 feet ये चौड़ाई है 10 feet। और ये है इसका अटैच टॉयलेट और ये टॉयलेट का साइज है 4 feet 6 inches by 6 feet 7 inches। यानी ये जो चौड़ाई है ये है 4 feet 6 inches और इसका लंबाई है 6 feet 7 inches। ये जो बेडरूम यहाँ पर है इसका वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर एक खिड़की और यहाँ पर एक खिड़की। और इसका डोर यहाँ ये है। और ये है आपका पूजा घर छोटा सा। और ये पूजा घर का साइज है 5 feet by 6 feet, 5 feet है इसका चौड़ाई और ये लंबाई है 6 feet। और यहाँ पर और एक बेडरूम है और ये बेडरूम का साइज है 13 feet by 10 feet, इसका लंबाई ये है 13 feet और इसका चौड़ाई ये है 10 feet। और ये बेडरूम का ये है डोर और इसका वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है। और इसका अटैच टॉयलेट यहाँ पर है, ये जो बेडरूम इसका अटैच टॉयलेट यहाँ पर है 8 feet by 4 feet 6 inches। ये टॉयलेट का लंबाई है 8 feet और इसका चौड़ाई है 4 feet 6 inches। और ये है डाइनिंग कॉम हॉल, इसका चौड़ाई है 15 feet 6 inches और इसका लंबाई है 19 feet 10 inches। तो ये डाइनिंग हॉल का साइज है 15 feet 6 inches by 19 feet 10 inches। इसका जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ये है 15 feet 6 inches और ये जो 19 feet 10 inches ये है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लंबाई है ये है 19 feet 10 inches। और इसमें 2 खिड़कियां हैं, यहाँ पर एक खिड़की और यहाँ पर एक खिड़की। और यहाँ पर एक डोर भी है बाहर जाने के लिए। और ये जो हॉल है, ये हॉल में एक टॉयलेट है यहाँ पर, ये है कॉमन टॉयलेट। और ये कॉमन टॉयलेट का साइज है 4 feet 6 inches by 9 feet, इसका चौड़ाई है ये 4 feet 7 inches और इसका लंबाई है 9 feet। और ये पीछे तरफ देखिए यहाँ पर है मास्टर बेडरूम, ये है साउथ डायरेक्शन और ये है वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर ये है मास्टर बेडरूम। और ये मास्टर बेडरूम का साइज है 13 feet by 11 feet,
इसका लंबाई है 13 फीट और इसका चौड़ाई है 11 फीट। और इसमें दो खिड़कियां हैं, यहाँ पर एक खिड़की और यहाँ पर एक खिड़की, और इसका अटैच टॉयलेट यहाँ पर है 8 फीट बाई 4 फीट 6 इंच। इसका लंबाई है 8 फीट और इसका चौड़ाई है 4 फीट 6 इंच। और यहाँ पर देखिए, ये जो साउथ और ये है ईस्ट, ये है साउथ डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट के कॉर्नर पर ये है किचन रूम, और किचन का साइज देखिए 9 फीट 8 इंच बाई 11 फीट, यानी इसका चौड़ाई है 9 फीट 8 इंच और इसका लंबाई है 11 फीट। और ये है वॉशिंग एरिया, किचन का वॉशिंग एरिया यहाँ पर है 5 फीट बाई 7 फीट 1 इंच, इसका चौड़ाई है 5 फीट और इसका लंबाई है 7 फीट 1 इंच। और किचन रूम का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है। दोस्तों, ये एक 3 BHK हाउस प्लान है। यहाँ पर एक बेडरूम, ये है बेडरूम, मास्टर बेडरूम, और यहाँ पर है दूसरा बेडरूम और ये है तीसरा बेडरूम, और यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है 15 फीट 6 इंच बाई 19 फीट 10 इंच, और यहाँ पर एक किचन है। और इसमें 4 टॉयलेट है, 3 अटैच टॉयलेट और 1 कॉमन टॉयलेट। यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट और यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट, और ये है कॉमन टॉयलेट। इसके साथ साथ सामने एक पोर्टिको है और स्टेयर कैसे ऊपर जाने के लिए। दोस्तों, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। दोस्तों, ये प्लान आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।